गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्योति पब्लिक ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स, हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम चैप्टर नंबर सेकंड की बात करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में है एक चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर नंबर सेकंड है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, देखो एक चर, सबसे पहले तो हम ये चीज समझेंगे कि चर क्या होता है। सबसे पहले हम चर की बात करते हैं। चर वह राशि जो अपना स्वतंत्र मान ग्रहण करती है क्या कहलाती है? चर कहलाती है। वह राशि जो अपना स्वतंत्र मान ग्रहण करती है चर कहलाती है। एक्स वाई ABCD डैश 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 एक्स वाई जेड, ये सब हमारे लिए क्या है? चर है। एक्स वाई और जेड ये हमारे लिए चर है। ABC एक्स वाई जेड PQR कुछ भी हो सकता है। अब बात आती है अचर की। अचर क्या होता है? वह राशि जो अपना निश्चित मान ग्रहण करती है, अपना निश्चित मान ग्रहण करती है। वह राशि जो अपना निश्चित मान ग्रहण करती है क्या कहलाती है? अचर राशि कहलाती है। जैसे 5, 10, 20, 15, 17, 20 बहुत सारे नंबर अचर कहलाते हैं। अब देखो चर की बात हो, एक का मतलब जो समीकरण होगा उसमें एक ही चर होगा, या तो एक्स होगा या वाई होगा या जेड होगा। इसके बाद में आता है वाले रैखिक, ऐसे समीकरण जिनकी घात एक हो। रैखिक का मतलब होता है रैखिक, ऐसे समीकरण या ऐसे चर जिनकी घात एक हो, ऐसे समीकरण रैखिक समीकरण ही होते। ऐसे समीकरण जिनमें चर राशि की घात एक क्या कहलाएंगे? रैखिक समीकरण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? रैखिक समीकरण कहलाएंगे। अब देखो एग्जांपल से हम समझते हैं कि रैखिक क्या होता है। एग्जांपल एक्स प्लस 3 इक्वल 2x या इक्वल 0 भी लिख सकते हो। ये आपके पास में रैखिक समीकरण है। कौन सा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। सेकंड जैसे एग्जांपल और लेते हैं, y प्लस जेड, y प्लस 3 y प्लस 8 इक्वल 2y माइनस 7, ये भी आपके सामने रैखिक। एक चर में रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है एक ही पावर होनी चाहिए। चर राशि की अधिकतम घात एक हो उसे हम क्या करते हैं? रैखिक करते हैं। आप देखो इसमें हमें चर राशि का मान निकालना होता है। कोई भी समीकरण आपको दे रखा है उसमें एक्स वाई और जेड ABC इनमें से चर राशि का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो एक्सरसाइज 2.1, अब ध्यान देना। जैसे 2x-3 = 7 है, इस वाले पक्ष को हम पढ़ते हैं राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड LHS, इसको पढ़ते हैं बराबर। क्या पढ़ते हैं भाई? बराबर।
और इधर वाले को पढ़ते हैं आर एच एस बाया पक्ष, ये है हमारा दाया पक्ष और ये हमारा है बाया पक्ष। बाया पक्ष तो आप समझ गए ना, दाया पक्ष और बाया पक्ष। समीकरण में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, किसका मान निकालना है, x का x में यदि चर है तो x का, y में यदि चर है तो y का, z यदि चर है तो z का। तो इस तरह हम जो है इसके मान फाइंड कर सकते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 2.1, पहला है एक्सरसाइज 2.1, निम्न समीकरण। निम्न समीकरणों को हल कीजिए, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। पहला सवाल है x माइनस 2 बराबर 7, तो x बराबर 7 प्लस 2। देखो ये आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए, x माइनस 2 बराबर 7। देखो एक मजे की बात बताता हूँ, ये प्लस है, यदि यहाँ कोई संख्या पॉजिटिव है इधर ले जाओगे नेगेटिव हो जाएगी, इधर से इधर ले, इधर संख्या कोई नेगेटिव है इसको इधर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, समझ गए, और उधर से इधर लाओगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव होगा। इस तरह आप पक्षांतरण करेंगे, इधर से उधर ले जाने पर संख्या को क्या कहते हैं, पक्षांतरण, कि हमने दो का पक्षांतरण कर दिया है, ये माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा। इस तरह आप यहाँ फाइंड कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखो इसका, y प्लस 3 बराबर 10 है। अब देखो चर क्या है y, तो y का मान निकालना है, तो y हम इधर ही रखेंगे 10, 3 को उधर भेजेंगे माइनस 3, तो y बराबर 7, समझ गए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें। थर्ड वाला क्वेश्चन है 6 प्लस जेड, 6 बराबर जेड प्लस 2। अब देखो हमें जेड का मान निकालना है और यहाँ जेड हमारा चर है तो जेड यहाँ लिख दिया, 6 पहले इधर है, 2 को इधर लाए माइनस 2, तो 4 इक्वल जेड, तो जेड क्या है हमारा 4 है। इस तरह हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। 4 में हमें क्या करना है, आपको ज्ञात करना है 4 में। तो देखो 4 में आपको दे रखा है कि x 4 है 3 बटे में 7 प्लस x बराबर 17 बटे में 7। अब देखो हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर 17 बटे में 7 माइनस 3 बटे में 7, क्या एलसीएम लिया 7, 17 माइनस 3 तो कितना हो गया 14 बटे में 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14। हमें चर राशि का मान निकालना है, चर राशि हमारे पास x है। इसी तरह देखो 5 वाला है 6x इक्वल 12, 6x बराबर 12, यहाँ संख्या गुणा में है, कोई चिन्ह नहीं है तो किस में है, गुणा में, तो गुणा वाली कहाँ जाएगी, भाग में चली जाएगी, तो x बराबर 12 बटे में 6, तो 6 दूनी 12, x बराबर 2। देखो प्लस की माइनस में जाती है, माइनस की प्लस में जाती है, गुणा की भाग में जाती है और भाग की गुणा में चली जाती है। इसके बाद में है देखो क्वेश्चन नंबर 6, टी अपॉन 5 बराबर 10, इसके नीचे आपने क्या लिखना है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 1 का टी से किया टी और 10 का किससे करना है 5 से, तो टी बराबर 50। इस तरह आप यहाँ एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 2x अपॉन 3 इक्वल 18, इसके नीचे 1 लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। देखो 2x बराबर 54, 18 को और 3 को इंटू कर दो, ऐसे 18 इंटू 3, x बराबर 18 इंटू 3 बटे में 2, दो नाम 18, x बराबर 9 इंटू 3, तो x बराबर हो गया 9 दिया 27।
इसी तरह आठवां सवाल है आपके पास, 1.6 बराबर y बटे में 1.5, तो आप क्या करेंगे इसके नीचे एक लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y बराबर 1.6 इंटू 1.5, 15 छी की 90 हंसी लगी, 9 और 15 और 9 24, क्या कितने बार पॉइंट लग जाएगा, दो के, तो y का मान हो गया 2.4। इस तरह हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 हम कल बताएं, अगले वीडियो में बताएंगे आपको। देखो यहाँ चर राशि वैल्यू फाइंड करनी है, चर का मतलब कांस्टेंट, चर राशि है रैखिक का मतलब एक घात होनी चाहिए उसकी, और हमने क्या करना है प्लस वाली डिजिट को माइनस में भेजना है और माइनस वाली को प्लस में, कोई डिजिट मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चली जाएगी, मतलब गुणा में है तो भाग में और भाग में है तो गुणा में। इस तरह हम यहाँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में बताएंगे, तो आपको अच्छे से इनको करना है। थैंक यू।